रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मैं सूरी और विजय दिवस के इस मौके पर मेरे साथ हैं दिगेंद्र सिंह जी, राजस्थान सीकर से वो लाल वो भारत माता के सपूत जिन्होंने कारगिल में 5-5 गोलियां लगने के बाद भी 48 दुश्मनों को मौत की घाट उतारा और सबसे पहले भारत का तिरंगा कारगिल में लहराया। आइए सुनते हैं दिगेंद्र सिंह जी की जुबानी कारगिल की कहानी। मेरे गोली लगने बाद मैंने फर्स्ट एड किया और दुश्मन की UMG लगी थी उनकी बैरल के नीचे घुस गया मैं और ग्रेनेड निकालूं और अंदर लुबिंग कर दूं लाडू की तरह और बड़म बड़म करके सुबह 4 बजे तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए मैंने। उनका मेजर अनवर खान मुझे गाली काटे, आज मेरा नाम मेजर अनवर खान है, मैंने पठानी का दूध पिया है। तो मैं बोले अगर एक बाप की औलाद है तो बाहर निकल हिंदुस्तानी कोबरा। अरे तू बोलता अपने आप को कर्ण बली है, बाहर निकल कर्ण बली, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। और वो मुझे कई गाली गलौज किया वो मैं आपको बता नहीं सकता। ताकि उसके बाद में पीछे गया मेरा एक साथी लहस राय बच्चन सिंह, उसके गोली लगी सिर में, उसकी लाइट मशीन गन ले ली मैंने LMG। वो लेने के बाद मैं ऊपर चढ़ा, चढ़ते वो मेजर अनवर खान के ऊपर मैंने फायर खोला तो वहाँ एक गोली फायर हुई, उसने मेरे को अपने पिस्टल काटी, मेरे 2-3 गोली मेरे पैरों पर हाथों पर ठोक दी उसने। उसके बाद में उसकी मेरी गुत्थम गुत्था लड़ाई होगी, मैंने कमांडो टाइगर जो चक्कू था वो काटा, उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद में मैं उस सोलोलिंग के ऊपर चढ़ गया और वहाँ हिंदुस्तान की भारत माता की जय बोल दी और तिरंगा झंडा वहाँ गाड़ दिया। वो पल मेरे लिए बहुत तगड़ा पल था, बहुत तगड़ा पल था। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कारगिल के शहीदों को शत शत नमन। जय हिंद, जय शहीद।